हाय फ्रेंड्स, दिस इज बबलू राघव एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल राघव यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल को किस तरीके से रूट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर कोई एप्लीकेशन काम नहीं करती है या परमिशन मांगती है तो आप अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं। तो आपको रूट करना कैसे है, तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च में लिखना है kingoroot.apk। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है kingo.root.apk और इसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है root.apk.kingoapp.com पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको दो ये इस तरीके के जो है पेज मिल जाएंगे, सिक्योर डाउनलोड और डाउनलोड ऑन CNET। तो आपको सिक्योर डाउनलोड पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और फिर एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड करने के लिए ओके या कैंसिल, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और देखिए डाउनलोड यहाँ पे जो है ये डाउनलोड हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसे इंस्टॉल किस तरीके से आप कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको इंस्टॉल करना है इसे। फ्रेंड्स, इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं वन क्लिक रूट। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे आपका फोन रूट होना चालू हो जाएगा और आपका फोन जो है वो रूट हो जाएगा। इसके बाद अपने मोबाइल में आप कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और इस मोबाइल को अपनी बिल्कुल आपका मोबाइल ये बदल जाएगा। जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी और आपको इसमें एक और अलग एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसे आप फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके मोबाइल में कोई भी जैसे एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर है वो नहीं चलता होगा तो आप अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।